आज हमने जो है ना पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये ऊपर वाले तमाम टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अभी तक। आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे इफ एल्स। अच्छा, तो मैंने आप सब लोगों को पहली क्लास में एक दुआ सिखाई थी, तो आई होप कि आप लोग रेगुलरली वो दुआ पढ़ते होंगे। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो दुआ पढ़ लेते होंगे, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर भी करते हैं ज़रा। तो सब लोग एक दफ़ा मिलके हम वो दुआ पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ताला से इल्म तलब कर रहे हैं, और फिर हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया वरिस्कन वासिया व शिफाअ मिन कुल्ली दा आमीन। अच्छा, इसके लिए मैं बना लेता हूँ एक अदद। नहीं, मुश्किल नहीं है एक्चुअली, ये आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने किया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा जी, ES6 कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, या ES6 कंडीशंस, जस्ट मैं इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, ES6 कंडीशंस। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, index.html की एक फ़ाइल बना लेता हूँ और इसमें एक बेसिक HTML में लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ ES6 कंडीशन चेकिंग विथ इफ स्टेटमेंट। सही है, यहाँ तक का जो कोड है ये आप सब लोग फेमिलियर हैं इससे कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ ना, इफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल भी बना देता हूँ, मैंने कहा लेट टेम्प इक्वल्स टू 5। अच्छा, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये टेम्परेचर हमने किससे लिया हुआ है, ये यूज़र इनपुट है एक्चुअली, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र इनपुट आप सब लोग लेना सीख चुके हैं, तो मैं इसलिए वो पूरा यूज़र इनपुट वाला कोड नहीं लिख रहा, बस मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 5 जो मुझे मिल रहा है ना टेम्प वेरिएबल में, ये यूज़र इनपुट है एक्चुअली, मैं ये ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ इसको। अच्छा, अभी हम इसको पहले समझते हैं अच्छी तरह, और फिर उसके बाद हम इसको अच्छा, ये मैंने लिखा है एक अदद इफ स्टेटमेंट। जैसा कि हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी जुमला लिखा हुआ होता है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, तो ये जो जुमला लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड इफ स्टेटमेंट। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कंडीशन चेकिंग इज कंप्यूटिंग एक्चुअली, ठीक है, कंडीशन चेकिंग इज़ द वेरी आइडिया ऑफ कंप्यूटिंग, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें अल्टीमेटली जो हो रही होती है चीज़ वो कंडीशन चेकिंग हो रही होती है। ठीक है, कंडीशन चेकिंग ही कंप्यूटिंग है। मिसाल के तौर पे जैसे एक कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर जो फिज़िकल आप हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करते हैं, तो 2+2 जब आप दबाते हैं ना उसके अंदर, तो इंटरनली एक्चुअली उसमें क्या हो रहा होता है, कंडीशन चेक हो रही होती है। वो जो 2+2 = 4 वो करता है ना, वो कंडीशन चेक कर करके उसको करता है। ठीक है, तो बेसिक किसी भी कंप्यूटर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर, वो कंडीशन चेकिंग है। तो कंडीशन चेकिंग जो है ना, समझ लें कि कंडीशन चेकिंग इज़ द वेरी आइडिया ऑफ कंप्यूटिंग। तो हमने जो इनपुट आउटपुट जब लेना सीखा था लास्ट, तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जो ये IPO मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं, तो एक इनपुट लेते हैं यूज़र से, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और उसको फिर आउटपुट दे देते हैं। तो हमने जो ये इनपुट और आउटपुट तो हमारा हो गया, दरमियान वाला जो पार्ट है ना प्रोसेसिंग वाला, ये अब थ्रू आउट द कोर्स हमारा ये प्रोसेसिंग में क्या क्या कुछ हम कर सकते हैं वो हम सीखेंगे अब। अच्छा, तो हमने एक तो सीखा कि जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं उस प्रोसेसिंग वाले पार्ट में, अब हम ये सीख रहे हैं कि उस प्रोसेसिंग वाले पार्ट में कंडीशन चेकिंग भी कर सकते हैं, तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं।
अच्छा मिसाल के तौर पे मुझे एक मिला टेम्परेचर बंदे ने दिया, ठीक है। अब मैं ये बात चेक करना चाहता हूँ कि आया कि ये जो टेम्परेचर मुझे दिया है बंदे ने, ये हॉट है या कूल है, ये मुझे ये अगर पता करना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा ये इफ़ की स्टेटमेंट। अच्छा, लेकिन हम वो टेम्परेचर को चेक करने से पहले कि ये कूल है या हॉट है, हम पहले इफ़ का सिंटैक्स समझ लेते हैं कि इसको, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी जुमला होता है उसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो जुमले की ग्रामर होती है, स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कि इसको लिखने का अंदाज़ क्या होगा, तरीका क्या होगा, इसको स्टेटमेंट को लिखते हुए कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा हमें। अच्छा, सबसे पहले इफ़ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है एक अदद, ये गोल ब्रैकेट, सही है। गोल ब्रैकेट शुरू, गोल ब्रैकेट ख़त्म। अच्छा, ये इफ़ के साथ हमेशा ये गोल ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अच्छा, और इस गोल ब्रैकेट के अंदर जो है ना, इसको क्या चाहिए, इफ़ को या तो ट्रू चाहिए या तो फॉल्स चाहिए। इसको क्या चाहिए, या तो ट्रू या चाहिए या तो फॉल्स चाहिए। तो मैंने अभी ट्रू लिखा हुआ है। अगर मैंने इसके अंदर लिखा हुआ होगा ट्रू, तो क्या होगा कि ये इतना कोड ब्लॉक जो है, यहाँ से शुरू है कोड ब्लॉक और यहाँ पे ख़त्म है, ये इतना कोड ब्लॉक जो है वो एक दफ़ा ये चला देगा और उसके बाद ये यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, कंट्रोल मेरा, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोग्राम का कंट्रोल। तो प्रोग्राम का कंट्रोल जब देखेगा इफ़ है, तो उसके बाद एक कंडीशन एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पे, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू होती है तो इतना कोड चला देगा, अगर ये फॉल्स होती है, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ होता है अगर, तो ये इतने कोड को नहीं चलाएगा, स्किप करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ऊपर से नीचे तक मेरा कंट्रोल चलेगा। ये सब लोगों को समझ आई है बात। इसको एक दफ़ा मैं और बता देता हूँ आपको, जब भी इफ़ लिखा हुआ देखेगा ये जावास्क्रिप्ट मेरा, वो इस जगह पे एक्सपेक्ट करेगा कि या तो मुझे ट्रू मिल जाए या तो मुझे फॉल्स मिल जाए। अगर यहाँ ट्रू लिखा हुआ होगा तो इतने कोड को चलाएगा, अगर यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ होगा तो इतने कोड को स्किप कर देगा, नहीं चलाएगा। अच्छा, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर अभी मेरे पास एक लाइन का कोड है, यहाँ पे 2 लाइन का या 200 लाइन का या 400 लाइन का कोड भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ पे कितना कोड मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कोड क्या है, ये कोड कंडीशनल है, ये एक सर्टन कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी इस वक्त अगर मैं इसको कोड को रन करता हूँ तो ये कंडीशन में यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कॉन्सोल आ जाना चाहिए। चल आगे देखते हैं इसको, कॉपी पाथ पेस्ट, मैं जाके इंस्पेक्ट में चेक करता हूँ कॉन्सोल पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो लिखा हुआ आ जाता है कि कंडीशन वाज ट्रू, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये कॉन्सोल आना बंद हो जाएगा। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और जाके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो वाला कॉन्सोल नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि अब यहाँ पे दरमियान में क्या है, फॉल्स है, तो लिहाजा इतने पार्ट को ये क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है इतने पार्ट को ये। अच्छा, ये इतना सब लोगों को समझ आ गया। अब देखो यार, सवाल ये है कि मैंने तो चेक करना है इस यूज़र इनपुट को, मैंने तो क्या करना है, चेक करना है इस यूज़र इनपुट को। अब यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा हुआ है या मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, तो अगर तो मैंने ट्रू लिख के और कोड को होस्ट कर दिया तो हर दफ़ा ही ट्रू रहेगा, वो तो कभी फॉल्स ही नहीं होगा, और अगर फॉल्स लिख कर दिया तो हमेशा फॉल्स रहेगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे कभी भी हाथ से ट्रू या फॉल्स नहीं लिखते हैं, बल्कि हम यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और चीज़ से आपका इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। देखो, एक तो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चार ऑपरेटर्स पढ़े हैं ना, अब मजीद ऑपरेटर्स कुछ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है जी, इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोकता हूँ नीचे वाले को। जैसे टेम्प है ना, 5 है, तो मैंने कहा कि यार लेट रिजल्ट इक्वल्स टू टेम्प प्लस 2, है ना, ये एक ऑपरेटर हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, टेम्प प्लस 2 क्या रिटर्न करेगा, 7 रिटर्न कर देगा। अच्छा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर भी लगा सकता हूँ। ये मैंने क्या किया, ये मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया। हमेशा याद रखें कि कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी लगेगा तो उसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो बूलियन होगा, सही है। कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी लगाया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बूलियन होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा। तो इतना पार्ट या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ कि टेम्प जो है वो इक्वल इक्वल है 2 के, यानी टेम्प जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है।
तो अगर तो ये बराबर हुआ तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न होगा ट्रू, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अभी फॉल्स आ जाना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये क्या हो गया, ये इक्वालिटी चेक कर रहा है। अच्छा, इसी तरह कंपैरिजन ऑपरेटर एक लेस देन है, एक ग्रेटर देन है, सही है, ये दोनों है। तो मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ कि लेस देन वाला ऑपरेटर, तो इतना पार्ट जो है ये क्या रिटर्न करेगा आप? अगर तो ये कंडीशन मीट कर रही है जो यहाँ बात लिखी हुई है, यहाँ पे अगर इसको मैं जुमले में पढ़ूंगा ना, मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा टेम्परेचर इज लेस देन टू। तो क्या ये कंडीशन, ये बात सही है कि टेम्परेचर इज लेस देन टू, ये गलत है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, सही है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है आप में से जिसमें ये जो जिसको लेस देन और ग्रेटर देन में इशू तो नहीं होता? कोई ऐसा तो नहीं जो भूल जाता हो कि कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है? अच्छा, इसका मैं बता देता हूँ आसान सा हल। हाँ भाई, कैसे कैसे याद रखते हो उसको रूल? तो रूल ऑफ थम होता है, ये हेल्प आउट करता है आपको चीज़ों को याद रखने में। देखो, ये ना एक्चुअली आप इमेजिन करो इसको कि ये एक तराजू है, सही है, ये इसका हैंडल है तराजू का, ये ऐसे एक डंडी लगी हुई है इसमें और ये एक ऐसे डंडी लगी हुई है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना तराजू, यूँ एक ये तराजू एक बन गया और दूसरा ये बन गया, ठीक है, तराजू ही आड़ा टेढ़ा है, क्या वजन करेगा ये, सही है, ये तराजू ये बन गया। अब ये इस वक्त ना इक्वल है, अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, जब एक तरफ नीचे होगा, जब एक तरफ भारी होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तराजू को नज़र में रखते हुए जो ये इक्वालिटी ऑपरेटर है ना, असल में जो मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यार एक्स कोई वैल्यू है यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स कोई वैल्यू है, तो इसको जब हम कहते हैं ना कि ये इक्वल और इक्वल है, तो ये असल में वो तराजू की बात हो रही होती है कि ये दोनों इक्वल है। ये वाला जो है ना, ये देखो, असल में मुझे क्या चाहिए होता है, जब भी मैं कोई तराजू से किसी चीज़ को वज़न करता हूँ तो मुझे ये पता होता है ना कि ये टेबल सीधी है, तो उससे मैं रिलेटिवली तराजू को नापता हूँ ना कि यार जितनी सीधी ये टेबल है उतना ही सीधा तराजू होना चाहिए तो बराबर होगा। तो एक्चुअली वही नीचे वाला आप समझ लो टेबल है, ये ऊपर वाला तराजू का, और ये एक्चुअली ऐसे ही है, ये वहीं से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है, इक्वल का जो बटन है। अच्छा, अगर मुझे यही काम अगर मैं करूँगा ना, मुझे अगर ये बताना होगा कि ये वाला क्या है, लेस है, अगर ये वाला लेस है अगर, ठीक है, तो वो पुराने ज़माने में वॉल्यूम का बटन होता था ना, ऐसे वाला, ये वॉल्यूम का बटन होता था ना कि यार ऐसे वो गोल सा बना होता था, अगर उसको इधर घुमाओगे आप तो ये वॉल्यूम कम होता है, और अगर दूसरी साइड इधर घुमाओगे आप तो वॉल्यूम बढ़ता है ना, ये सब लोगों ने देखा हुआ है। तो यही मतलब होता है इसका, लेस देन और ग्रेटर देन का। अच्छा, वो क्योंकि अब वो जल्दी में लिखते हैं तो वो उसको ऐसे करके लिख देते हैं, लेकिन असल में जो साइन है ना वो ये वाला है, और ये इक्वल मतलब आप समझ लो, ये असल जो अगर मैं लिखूंगा ना प्रॉपर इसको तरीके से साइन, तो मैं इक्वल टू को लिखूंगा ऐसे यूं, और ये लेस देन जो है ना इसको मैं लिखूंगा ऐसे यूं, इसको लिखने का प्रॉपर तरीका जो है ये, लेकिन वो जल्दी में लिखते हैं तो ज़रा वो हो जाता है, और अभी कीबोर्ड वगैरह में भी उसी तरह हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ये इस तरफ वाला जो है वो क्या है, लेस है, ये वॉल्यूम के बटन से आपने इसको याद रखना है, सही है, और इस तरफ वाला ज़्यादा है। तो अगर इसको मैं जुमले में पढ़ता हूँ तो क्या लिख क्या पढ़ूंगा मैं, कि भाई ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं x की जगह पे लिख देता हूँ 5, ठीक है, 5 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये 8 है, ठीक है, ये वाला जो 8 है, तो 5 लेस है, 8 जो है वो बड़ा है, ठीक है, वॉल्यूम वाले बटन से। तो वो जिधर वो मुंह खुला है वही वाली आप वाली बात, इधर जो मुंह खुला है, तो मुंह खुला नहीं, एक्चुअली वो लेस और ग्रेटर वो एक्चुअली इंडिकेट कर रहा होता है, दिस इज़ एन इंडिकेटर, कि वो बता रहा होता है एक तरफ लेस है एक तरफ मोर है। अच्छा, तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एक रूल ऑफ थम शायद आपको हेल्प आउट करेगी, और अगर यही चीज़ अपोजिट होगी दूसरी साइड होगी तो उसको मैं कैसे कर दूंगा, इसको मैं दूसरी तरफ से कर दूंगा ऐसे, कि भाई इस तरफ जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो कम है, इस तरह से मैं डिनाइट कर दूंगा इसको, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि टेम्प जो है वो लेस है, इस तरफ छोटा हुआ हुआ है, और टू की तरफ ये बड़ा हुआ हुआ है, मतलब इधर मोर है। तो टेम्परेचर
इज लेस देन टू. अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो अब मैं टेम्परेचर की तरफ ये दिखा रहा है कि इधर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन टू. तो इस तरह से इसको होगा. अच्छा टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन टू, ये कंडीशन मीट कर रही है क्योंकि टेम्प की जगह पे आ जाएगा 5, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू ऊपर ये लिखा हुआ है टेम्प की वैल्यू इस वक्त क्या है, 5 आ जाएगा. तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये पूरा क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा. सही है. अच्छा तो ये हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को थोड़ा सा टच किया. अब वापस आ जाओ यहाँ. अब कंपैरिजन ऑपरेटर पता लग गया. अब यहाँ आके मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि टेम्परेचर अगर क्या है, ग्रेटर देन है अगर 30 से. सही है. टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन है 30 से तो क्या कर दो, यहाँ पे कंडीशन वाज ट्रू नहीं लिख दो, लिख दो कि यार वेदर इज हॉट. अच्छा ये 5 जो यूज़र इनपुट है ये. अच्छा मेरा प्रोग्राम चला, यूज़र से इनपुट लिया मैंने, यूज़र ने इनपुट दे दिया 11. अब यहाँ पे इफ़ देखा इसने, इफ़ देखने के बाद ये गोल ब्रैकेट देखी, यहाँ पे आई कंडीशन, टेम्प की जगह पे क्या आ जाएगा 11. 11 इज़ ग्रेटर देन 30, क्या ये बात सही है? No. गलत है. तो इस पूरी जगह पे क्या आ जाएगा, फॉल्स. सही है. लिहाजा ये कंसोल नहीं आएगा, ये कंसोल नहीं आएगा. ठीक है चला के देखते हैं इसको, कोई कंसोल नहीं आया. अच्छा अगली दफ़ा मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यूज़र से इनपुट लेता हूँ, यूज़र कह देता है 35, उसके बाद ये दोबारा इफ़ पे आता है, टेम्परेचर की जगह पे अब 35 आएगा, 35 इज़ ग्रेटर देन 30, तो ये बात ट्रू है. तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, इतनी जगह पे ट्रू आएगा और ये कंडीशन मीट कर जाएगी. तो ये इस बॉडी को, अच्छा इस इतने पार्ट को कहते हैं इफ़ की बॉडी है ये. ठीक है तो ये आ जाएगी, चल पड़ेगी. अब चला के देखते हैं. ठीक है वेदर इज़ हॉट. तो क्योंकि मुझे इनपुट में 35 इस वक्त मौजूद है तो यहाँ पे ना ये कंडीशन ट्रू हो गई. इतना सब लोगों को समझ आ रहा है जी, कैसे हो रहा है ये. अब इसके अंदर एक चीज़ होती है एल्स. अभी देखो होता क्या है कि अगर टेम्परेचर जो है 35 अगर ग्रेटर जो कंडीशन ये वाली मीट कर जाती है अगर, तब तो ये चलता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं आता है स्क्रीन पर. तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर रखा है कि एल्स. सही है कि अगर इफ़ चलेगा या तो अदरवाइज, अगर इफ़ नहीं चला तो एल्स चलेगा फिर. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कंसोल डॉट लॉग वेदर इज कोल्ड. ठीक है वेदर इज कोल्ड. अब हॉट या कोल्ड के अंदर मैंने क्या कर लिया, डिस्टिंक्शन कर ली. ठीक है शायद इसकी बाउंड्री मैंने बहुत ज़्यादा वो कर दी है 30. मैं कहता हूँ कि यार 25 कर देते हैं जी. 25 से नीचे तो मैं उसको कह रहा हूँ कि कोल्ड है, 25 से ऊपर है मैं कह रहा हूँ हॉट. तो ये मैंने एक लिमिट सेट कर ली. तो अगर टेम्परेचर बड़ा होगा 25 से तो हॉट, अदरवाइज दूसरी एक ही कंडीशन है, अगर 25 से बड़ा नहीं है तो छोटा होगा. क्योंकि 25 से जब मैं बड़ा कह देता हूँ ना तो ये पूरा इन्फिनिटी तक चला जाता है, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये ट्रू ही रखेगा उसको. अगर 25 से बड़ा होगा टेम्परेचर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो कंडीशन ये ट्रू हो रही होगी. अच्छा उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या बचती है कि 25 से छोटा होगा. तो 25 से छोटा होने की सूरत में 24 होगा, 22 होगा, 0 होगा, माइनस होगा, और माइनस में इन्फिनिटी तक ये दूसरी होगी. तो ये एक्चुअली मेरे पास ना दो ही कंडीशन है यहाँ पे इस वक्त, कि अगर या तो छोटा हो या तो बड़ा हो, दैट्स इट. कोई तीसरी कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे. तो इफ़ और एल्स, इफ़ और एल्स जब भी साथ में लिखे हुए होंगे ना तो इसका फिनोमेना ये होगा, इसका बिहेवियर ये होगा कि या तो इफ़ चलेगा, अगर इफ़ नहीं चला तो एल्स हर हाल में चलेगा. ऐसा नहीं होगा कि दोनों ना चले, ऐसा कभी भी नहीं होगा. इफ़ चलेगा या तो, इफ़ चल गया तो एल्स की ज़रूरत नहीं है, फिर एल्स फिर नहीं चलेगा. अगर इफ़ नहीं चला तो एल्स हर हाल में चलेगा. अच्छा चला के देखते हैं इसको. अभी बंदे ने दिया 35 तो अभी तो आएगा कि वेदर इज़ हॉट. अच्छा फिर हम इसका इनपुट चेंज करके भी देखेंगे, वेदर इज़ हॉट आ रहा है अभी. अब इस अगली बार ये चला प्रोग्राम, बंदे ने इनपुट दे दिया कि यार 11 दोबारा से, तो अब क्या आना चाहिए, वेदर इज़ कोल्ड. तो हमने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पहली कंडीशन चेकिंग परफॉर्म कर ली.
आज सही है, यहाँ पे ये आपका जो बेसिक कंडीशन चेकिंग है ना, ये पूरी हो गई। अच्छा, सब लोगों को ये बात समझ आई है? कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, कोई ऐसे कोई ऐसा वर्ड तो मैंने यूज़ नहीं किया जो आपके पल्ले ना पड़ो, तो वो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ ज़रा नीचे आके करूँ, लेकिन समटाइम कोई ऐसी वर्ड, कोई ऐसी बात हो जाती है जो एक न्यू बंदे को समझ ही नहीं आती यार ये क्या वर्ड था। तो इस तरह की कोई चीज़ अगर है तो मुझसे आप रोक के वहीं पे पूछ लीजिएगा। जी इनपुट ना, यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट तो सीखा था ना हमने लास्ट, तो उसी तरह देंगे उसको यूज़र इनपुट। हम यूज़र इनपुट का पूरा कोड लिख दूं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये देखो ना, मैं असल में यही तो कह रहा हूँ कि ये मैंने अभी फ़िलहाल मैंने वेरिएबल हाथ से लिख दिया है, लेकिन असल में ये जब आप ये बनाएंगे ना, तो ये यूज़र इनपुट होगा। यूज़र इनपुट आप सीख चुके हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं यूज़र इनपुट यहाँ पे लेके दिखा दूंगा यूज़र से। हाँ, यूज़र इनपुट, अच्छा वही कोड होगा पुराना है ना, वो कहाँ गया वो इनपुट आउटपुट, ये वाला यही कोड होगा पूरा का पूरा। मैंने क्या किया, ये कोड पूरा यहाँ से मैं उठा लूँगा, ये मेरा फॉर्म है ना, ये मेरा फॉर्म है और रिज़ल्ट विंडो है, ये मेरा फॉर्म है और रिज़ल्ट विंडो, ये दोनों मैंने उठा लिया यहाँ से, और ये दोनों मैं अपने पास लेकर आ जाता हूँ। सही है, फॉर्म बना हुआ आ गया, रिज़ल्ट विंडो आ गया। अच्छा, दूसरा नीचे जो फंक्शन था, ये फंक्शन था, ठीक है, ये फंक्शन पूरा मैंने उठा लिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, पहले तो फॉर्म को सीधा कर लेते हैं। मेरे फॉर्म के अंदर ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर है ना, तो मैं अब तो ये नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा कि यार योर रूम टेम्परेचर ना, योर रूम टेम्परेचर TEMPER, यस, नहीं ये भी आएगा। मैंने कहा योर रूम टेम्परेचर, सही है, या एंटर योर रूम टेम्परेचर कर देता हूँ इसको मैं। और इनपुट के अंदर मुझे क्या चाहिए, नंबर टाइप का इनपुट चाहिए ऑब्वियसली, है ना, टेम्परेचर नंबर एक होगा। अच्छा, रिक्वायर्ड है ये, और स्टेप में मैंने कहा 0. चलो 0.1, सही है, 0.01 तक की दे सकता है, मैंने दो डिजिट पॉइंट के बाद ले लिया मैंने उससे। अच्छा, रिक्वायर्ड भी ये होगा, और आईडी इसकी जो फर्स्ट नम मैंने लिखी थी, अब की बार मैं चाहता हूँ कि मैं आईडी इसकी जो कोई मुख्तलिफ लिखूँ। मैंने कहा मैं आईडी इसकी लिख देता हूँ कि यार टेम्प इनपुट, ये मैंने रख दी इसकी आईडी। अच्छा, उसके बाद मुझे एक फील्ड तो ये हो गया, एंटर योर रूम टेम्परेचर, चला के देखते हैं किस तरह दिख रहा है स्क्रीन पर, ये इस तरह दिख गया। दूसरी वाली फील्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, सही है। अच्छा, बटन के ऊपर पहले लिखते थे सम, अब क्या लिखूँगा मैं, चेक लिख देता हूँ, सही है, चेक लिख देता हूँ। अच्छा, इसके फॉर्म के सबमिट होने पे, ऑन सबमिट पे जो फंक्शन चलता था उसका नाम मैंने रखा था डू सम, तो वो इस नस्बत से रखा था कि सम परफॉर्म करते थे। अब की बार मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि यार टेम्प वेदर चेक कर देता हूँ मैं, बल्कि उसको, सही है, वेदर चेक। तो ये चीज़ वही है सारी की सारी, जस्ट मैंने उसके नाम चेंज किए, ना भी करता तो चल जाता, लेकिन नाम इसलिए मैंने चेंज किया कि नाम रेलिवेंट होना चाहिए। आ जाते हैं जी, रिजल्ट विंडो का नाम शायद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा नाम है ये। अब नीचे फंक्शन के ऊपर मैंने जो ये वेदर चेक लगाया ना, वेदर चेक इसका, क्योंकि ऊपर और नीचे नाम सेम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये फर्स्ट नंबर मैंने उठाया है, तो फर्स्ट नंबर नहीं है, अब इसका नाम है टेम्प इनपुट, सही है, यहाँ पे भी टेम्प इनपुट रख देता हूँ मैं। सेकंड इनपुट है ही नहीं तो उसको हटा दिया मैंने, ये टेम्प इनपुट आ गया। अब टेम्प इनपुट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉन्सोल करा के चेक कर लिया कि आया कि मुझे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, सही है, ये कॉन्सोल करा के मैंने चेक कर लिया। उसके बाद क्या कर दिया मैंने, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है मैंने, सही है, मैंने कहा यार नंबर में कन्वर्ट कर दो इसको जस्ट, सही है, टेम्प इनपुट को मैंने क्या कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया, सही है जी। अच्छा, इसको मैं नंबर कह देता हूँ, नंबर फॉर्मेट,
अच्छा, बल्कि टेम्प इनपुट ही नाम रख देता हूँ इसका, टेम्प इनपुट को ही मैं चेंज कर सकता हूँ ना। मैंने कहा टेम्प इनपुट इक्वल टू और ये नंबर कर दिया मैंने, यानी कोई नया वेरिएबल नहीं बनाया बल्कि उसी वेरिएबल के अंदर उसको दोबारा डाल दिया मैंने, नंबर में चेंज करके उसी वेरिएबल में दोबारा डाल दिया। हम कर सकते थे ना, याद है ना हमें, हम कहते थे कि यार टेम्प इनपुट इक्वल्स टू टेम्प प्लस वन, वो हमने जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था तो इस तरह देखा था, हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा तो क्या हो गया, अब यहाँ पे कंसोल हो गया ये, और यहाँ पे ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। शायद नंबर में कन्वर्ट मुझे यहाँ पे करके फिर कंसोल करा लेता हूँ इसको, ये नंबर में कन्वर्ट हुआ, ये फिर कंसोल हो गया, ठीक हो गया ये। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये एक न्यूमेरिक फॉर्म में ये चीज़ आ गई है, अब इसके ऊपर मैंने वो कंडीशन चेक करनी है। तो ये मैंने इफ़ का जो सारा काम है ना, ये वाला, ये मुझे अब यहाँ पर लगाना है, ये मुझे अब इस इनपुट टेम्प के ऊपर लगाना है यहाँ, सही है, इनपुट टेम्प, इसके ऊपर मैंने चेक करना है कि ये 25 से बड़ा है या छोटा है। अच्छा ये कॉन्सोल पे प्रिंट कराता हूँ, कॉन्सोल पे प्रिंट नहीं होगा। अब जो ये मैसेज करके है ना, ये वाला मैसेज ऐसे करके होगा ये, ठीक है, ES6 स्ट्रिंग टेम्पलेट। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक लेट मैसेज करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जो शुरू में एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा ये मैसेज असल में बना हुआ है पहले से, इसलिए एरर दे रही है। मैंने मैसेज यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया जो कि शुरू में एम्प्टी है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल की जगह यहाँ पे मैसेज इक्वल्स टू करके ये लगा देता हूँ, ये वेदर इज हॉट, ये लगा दो, कंसोल की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगली लाइन में इसको मैं लगा देता हूँ कि जी वेदर इज़ कोल्ड, इसी मैसेज को ऐसे करके लगा देता हूँ। अब लिहाजा होगा क्या, होगा ये कि ये जब यहाँ पे वेरिएबल बनेगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इस वक्त खाली स्ट्रिंग है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ का ब्लॉक जब चलेगा इतना, तो इस मैसेज के वेरिएबल में क्या चला जाएगा, वेदर इज़ हॉट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ नहीं चलेगा, फिर एल्स चलेगा, तो वेदर इज़ कोल्ड चला जाएगा। लिहाजा अगर इस मैसेज को मैं डिस्प्ले करवाऊँ नीचे यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रिजल्ट विंडो डॉट इनर HTML, और उसके अंदर मैसेज को डिस्प्ले कराऊँ, तो कभी हॉट और कभी कोल्ड प्रिंट होगा डिपेंडिंग ऑन के यूज़र ने क्या इनपुट दिया है। तो ये मैंने पूरा का पूरा वो इनपुट वाला इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। जैसा कि आपने नोट किया, ये बॉयलर प्लेट कोड था हमारा एज इट इज़ इस्तेमाल हुआ है थोड़ी सी चेंजेस के साथ। अब इसको आके चेक कर लेते हैं, इधर रिफ्रेश किया मैंने, और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार 21 और चेक तो वेदर इज़ कोल्ड, और 35 चेक वेदर इज़ हॉट, ठीक है। तो ये यूज़र से इनपुट लेके मैंने करके दिखा दिया। अच्छा मैं उसको सिंपल रखना, क्योंकि अभी देखें यहाँ पे ना कोड ज़्यादा हो गया, तो मैं उसको सिंपल रखना चाह रहा था, इसलिए मैं ये कोड लिख नहीं रहा था, लेकिन आपने कहा तो मैंने लिख भी दिया, कोई मसला नहीं है। तो ये मैसेज करके इस तरह हो गया, ये सब लोगों को समझ आया। अच्छा अभी इतने पार्ट पर आपने गौर करना है, इतने पार्ट से ऊपर और नीचे जो है ना वो इनपुट आउटपुट वाला कोड है, बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है। अभी जो हमने नई चीज़ सीखी है वो इसके अंदर यहाँ इतने में मौजूद है। अच्छा अब कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ये तो मैं पता लग गया कि यार इफ़ के यहाँ पे ना इस जगह पे हमेशा लगेगा कंपैरिजन ऑपरेटर, और हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, बूलियन उसका रिजल्ट होगा। जैसे जब मैं प्लस करता हूँ ना, दो वैल्यू को जब मैं प्लस करता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है एक नंबर, कि जब दो वैल्यू को मैं प्लस करूँगा या माइनस करूँगा तो उसका रिजल्ट हमेशा एक नंबर निकल के आएगा, कोई तीसरी चीज़ तो नहीं हो सकती नंबर के अलावा। इसी तरीके से जब कंपैरिजन ऑपरेटर में दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाएगा ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा बूलियन निकलेगा, बूलियन के अलावा इसका कोई दूसरा रिजल्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा प्लस में बल्कि एक पॉसिबिलिटी है, प्लस में क्या है कि अगर दो स्ट्रिंग को प्लस करते हैं तो स्ट्रिंग बनता है, नंबर को प्लस करते हैं तो नंबर बनता है, है ना। प्लस में तो एक चलो ये पॉसिबिलिटी है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर कोई स्ट्रिंग को आपने डिवाइड करने की कोशिश की तो एरर मार देता है। अगर तो वो नंबर होगा तो कन्वर्ट करके कर भी देगा, लेकिन अगर ABC लिखा हुआ उसको डिवाइड कर रहे हैं आप XYZ से, तो वो एरर दे देता है कि भाई ये नहीं हो सकता, उसमें NaN लिखा हुआ आ जाता है, एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने पार्ट इतना जो है वो क्या कर लिया, चेक कर लिया। अच्छा अब यहाँ पर जो कंडीशन ये चेक हो रही है, इसके ज़रिए हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। हमें दो वैल्यू मिलती है,
हम ये बता सकते हैं कि उन दोनों वैल्यू में से कौन सी बड़ी थी या कौन सी छोटी थी। सही है, हम ये बता सकते हैं कि अगर एक इनपुट मैंने लिया उसमें बंदे से मैंने एज पूछा, तो अब वो एज डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या एज बताता है मुझे, मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि यार आपने जो एज डाली है आप एक बच्चे हो, या आपने जो एज डाली है उसके मुताबिक आप एक नौजवान हो, या आपने जो एज डाली है उसके मुताबिक आप ओल्ड एज हो, बूढ़े हो आप, है ना। तो ये कंडीशन में चेक करना शुरू हो गया हूँ। अच्छा, तो आप सब लोगों को मैं अभी एक टास्क दे रहा हूँ यहीं पर, ये क्लास वर्क, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या करना है। अब ये इफ़ की कंडीशन तो हमने सीख ली इतनी बेसिक, इसको हमने आगे भी मज़ीद थोड़ा सा और सीखना है, लेकिन उससे पहले आपको मैं क्लास में यहाँ पे टास्क ये दे रहा हूँ कि आप इस तरह की एक कंडीशन लगाएं जिसमें आप बंदे से क्या लेंगे, उसकी एज लेंगे आप, और एज के बिहाफ पे आपने क्या करना है, ये तीन बातें बतानी है कि या तो वो बूढ़ा है, या तो वो बच्चा है, और या तो वो नौजवान है। सही है, ये तीन बातें आपने बतानी है। अब वो यही तो आपने सोचना है। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं, मैं एक और इफ लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर अगर बड़ा है 25 से तो ये होता है, मैं बोलूं कि यार टेम्परेचर अगर छोटा है 25 से तो एक काम कर दो। सही है, वेदर इसको होल्ड कर दो, ये हो सकता है ना। अच्छा, अब ये पहला इफ ये चलेगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बंदे ने लिखा था 11 तो ये फॉल्स होगी, तो ये इतना इफ नहीं चलेगा, स्किप हो जाएगा, एल्स तो है भी नहीं उसके अंदर। उसके अलावा अब यहाँ पे आएगा आगे, तो टेम्परेचर इनपुट इज़ लेस देन 25, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दो इफ भी लगा सकता हूँ मैं, इस तरह तीन भी लगा सकता हूँ, चार भी लगा सकता हूँ। तो आपने अब दिमाग लगाना है और आप देखना है कि या तो आपको एल्स लगा के ये काम या तो होगा, या तो ये दो इफ़ लगा के ये काम होगा, या तीन इफ़ लगा के होगा, कैसे होगा ये। अच्छा देखो, जिसको तो आता है वो तो कुछ भी यूज़ करके कर लेगा, ठीक है, जिसको नहीं आता मैं उससे कह रहा हूँ, ठीक है, जिसको आता है वो जैसे भी दिल करे तुम्हारा वैसे कर लो, कोई मसला नहीं। तो अब ये आपने ना, ये आपकी आधे घंटे की दिमाग की एक्सरसाइज है। हाँ, पुश कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। सही है, ये अब सब लोग ये काम करें अभी, राइट नाउ।